तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारे पास यहाँ पे अभी तक कुछ ऐसे शोमी के डिवाइसेस बचे हुए हैं जिनमें अभी तक यहाँ पे ना ही MIUI 12.5 आया है, ना ही MIUI 12.5 एनहेंस आया है और ना ही एंड्रॉयड 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट हमें देखने के लिए मिला है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आखिर हमें उसमें MIUI 12.5, 12.5 एनहेंस, एंड्रॉयड 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट कौन से महीने में देखने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा अभी तक YT चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा YT चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अब हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बता दूं Redmi Note 8 की, तो यहाँ पे Redmi Note 8 इंडिया के लिए एक लेटेस्ट अपडेट चल रहा है MIUI का 12.0.1.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट RCOINXM 2.2GB के अपडेट के साइज में। तो इस अपडेट का साइज 2.2GB का हमें देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि इंडिया में ये अपडेट एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 11 पर हमें देखने के लिए मिल चुका है। लेकिन इसमें अभी तक हमें MIUI 12.5 12.5 एनहांस का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन हमें Redmi Note 8 ग्लोबल स्टेबल में MIUI का 12.5.1.0 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड एनहांस का अपडेट यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो अब हमें इंडिया में भी Redmi Note 8 के लिए MIUI का 12.5 के एनहेंस का अपडेट बहुत ही जल्द यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ये जो अपडेट हमें इंडिया में मिला है 12 का MIUI 12.0.1.0 का, इस अपडेट का यहां पे फुल्ली रोल आउट भी कब का हो चुका है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे Redmi Note 8 ग्लोबल में MIUI 12.5.1.0 अपडेट आ चुका है और इस अपडेट का साइज हमें 1.1GB का देखने के लिए मिल जाता है। और इस अपडेट में हमें अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच भी यहाँ पर दे दिया गया है Xiaomi की तरफ से Redmi Note 8 के लिए। तो अब हमें इंडिया में भी MIUI 12.5 का एनहांस का अपडेट बहुत ही जल्द यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके बाद अगला डिवाइस है Redmi 9 Power। Redmi 9 Power में MIUI का 12.5.4.0 का RJQINXM इंडिया स्टेबल अपडेट एनहांस का अपडेट एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। और आप इसका अबाउट फोन का सेक्शन देखेंगे तो आपको इसमें अक्टूबर का ही सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाता है। तो अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे कुछ WhatsApp के इश्यूज चल रहे हैं कि यहाँ पे हम Android 11 में WhatsApp में ना तो इसमें फाइल्स अपलोड हो रही हैं और ना ही इसमें कुछ मीडिया की फाइल्स डाउनलोडिंग पे हो रही हैं। तो यहाँ पे ये WhatsApp का इशू चल रहा है। तो इस वाले WhatsApp के इशू के फिक्स होने के बाद आपको आपके Redmi 9 Power में ये अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि Redmi 9 Power इंडिया में इस अपडेट के यहाँ पे फुल्ली रोल आउट कब का हो चुका है। तो अब हमें Redmi 9 Power में इंडिया में ये अपडेट सभी यूजर्स को WhatsApp के इशू के फिक्स होने के बाद देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके बाद अगला डिवाइस है Poco M3। तो Poco M3 में लेटेस्ट अपडेट चल रहा है MIUI का 12.0.9.0 का QJFINXM Android 10 पर बेस्ड इंडिया स्टेबल अपडेट अक्टूबर सिक्योरिटी पैच के साथ। तो हमें Redmi 9 Power में 12.5 एनहांस इंडिया में देखने के लिए मिल चुका है। तो हमें अब M3 में भी बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएगा MIUI का 12.5 के एनहांस का अपडेट विद एंड्रॉयड 11 इंडिया स्टेबल अपडेट, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है Poco M3 डिवाइस के लिए। तो इसके बाद एक डिवाइस और बचता है जिसका नाम है Redmi K20। Redmi K20 में भी अभी तक हमें MIUI 12.5 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। तो हमें होपफुली Redmi K20, Redmi 9 Power, Poco M3 और Redmi Note 8 में इंडिया में ये अपडेट्स बहुत ही जल्द यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे MIUI के 12.5 के एनहांस के अपडेट्स विद एंड्रॉयड 11। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे YT चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा YT चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।